सोलन शहर में गर्मी बढ़ते ही पानी की कमी होने लगती है। घरों में पानी न आने की वजह से सार्वजनिक प्याऊ में लंबी लंबी कतारें लगाकर लोग अपनी प्यास बुझाने को मजबूर हो चुके हैं। बारिश न होने की वजह से गर्मी अपने चरम पर है, जिसकी वजह से शहरवासियों को दोहरी मार पड़ रही है। एक तो उन्हें गर्मी से जूझना पड़ रहा है, वहीं पानी की भी किल्लत है। सोलन शहर में गर्मी बढ़ते ही पानी की कमी होने लगी है। घरों में पानी न आने की वजह से सार्वजनिक स्रोतों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। बारिश न होने की वजह से गर्मी अपने चरम पर है, जिसकी वजह से शहरवासियों पर दोहरी मार भी पड़ रही है। एक ओर गर्मी से उन्हें जूझना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर पानी की किल्लत से भी आए दिन दो चार होना पड़ रहा है। सोलन शहरवासियों ने कहा कि एक तो गर्मी, ऊपर से पानी की किल्लत, जिसकी वजह से उनके दिनचर्या भी प्रभावित हो रहे हैं, साथ में उनकी फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि उनके पशु भी प्यासे बिलख रहे हैं। उन्होंने कहा कि नगर परिषद को चाहिए कि वे पानी का उचित प्रबंध करें, ताकि किसी को भी पानी की किल्लत की वजह से असुविधा का सामना ना करना पड़े। सर, पानी की दिक्कतें काफ़ी सारी है। पानी पीने को नहीं मिल रहा है, नहाने को तक नहीं मिल रहा है, और खाने में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि डंगर माल भूखे प्यासे मर रहे हैं। तो इन्हीं प्रॉब्लम देखते हुए यहाँ तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए, या तालाब वगैरह, अभी जो भी तालाब वगैरह थे, जो इतने सारे तालाब है वो भी सूख चुके हैं। मेरा नाम सूर्यकांत शर्मा है और मैं सोलन का स्थायी निवासी हूँ, और यहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जैसे कि हमारे यहाँ बिल्डिंगें चढ़ी है पानी की, तो उनके लिए जो किराएदार है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है पानी की। और यहाँ पे सोलन मैक्सिमम मतलब पानी बहुत दूर दूर से लाना पड़ रहा है, जैसे कि हर एक बंदे को बहुत दूर दूर जाना पड़ रहा है पानी लेने के लिए, और फिर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। काफ़ी ज़्यादा टाइम से बारिश भी नहीं हो रही है, फिर इस ज़्यादा बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है पानी की। यहाँ पर पानी की इतनी समस्या है कि लोगों को कभी कोटरे नले जाना पड़ रहा है, कभी चंबा घाट जाना पड़ता है पानी के लिए, कभी ब्रूरी जाना पड़ता है। पानी की इतनी समस्या आ रही है, और पानी भी जो नलों में पानी आ रहा है वो भी गंदा पानी आ रहा है, जिसमें कीड़े बहुत है। मैं कमेटी से आगे यही बेनती करूंगा कि पानी को साफ सुथरा रखें, पानी को बचा के रखें, लोगों को पानी हिसाब से दें। ऐसा कुछ नहीं है, पानी की समस्या नहीं आनी चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि गर्मी इतनी तेज तफरी है, जिससे कि फसलें तबाह हो रही है, बीमारियाँ फैल रही है, ना बारिश हो रही है, और फसलों की पैदावार भी कम हो रही है। मेरा नाम रजत है, मैं सोलन का रहने निवासी हूँ, और जो कि आजकल आपको पता ही है कि बारिश की बहुत दिक्कत हो रही है, और पानी की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। कार्यक्रम में एक बार फिर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।